हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत फॉर यू में। तो फ्रेंड, अगर आप एक यूट्यूबर या सिंपली नए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को डेडिकेट करने वाला हूँ। फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूट्यूब ट्यूटोरियल सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हो हेमंत फॉर यू। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स नीचे देख सकते हो एक लाल कलर का बटन दिख रहा है, वो आप लोग सिंपली दबा लें ताकि इसी तरीके के वीडियो जब भी मैं फ्यूचर में लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग उस वीडियो को देख सको। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यूट्यूब ट्यूटोरियल सीरीज का जो मैं पहला वीडियो लेके आया था वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग अपने चैनल के लिए नाम रख सकते हो। 5 टिप्स मैंने आप लोगों को बताया था जो आप लोगों को फॉलो करना है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा फ्रेंड तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सिंपली इसको चेक कर लेना या यहाँ पे मैं आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, यहाँ से जाकर आप लोग सिंपली चेक कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, आप सीधे कंप्यूटर स्क्रीन जाकर प्रैक्टिकल करके देख लेते कि कैसे आप लोगों को अपना चैनल क्रिएट करना है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों के पास खुद का जीमेल आईडी होना चाहिए। तो सिंपली आप लोग अपने जीमेल आईडी को ओपन कर लेना फ्रेंड। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने जीमेल आईडी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली हम लोग यहाँ पे टैप करते हैं। जैसे मैं टैप करूँ फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग वापस टैप कर लेते हैं फ्रेंड। तो जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिंपली यूट्यूब का टैप खुल के आ गया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मिल जाती है, वो आप लोग सिंपली चेक कर लेना फ्रेंड। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, सिंपली हम लोगों को यहाँ पे आना फ्रेंड। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को टैप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँ आप लोग देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योर चैनल, तो यहाँ पे हम लोग टैप कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंपली इस तरीके का पेज आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जो भी नाम आप लोग अपने चैनल का रखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिंपली मैं डिजिटल हिंदी के यहाँ रखना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको रख दिया। आप लोग चेंज करना चाहो तो यहाँ से ये चेंज भी कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ फ्रेंड, जैसे ही आप लोगों का कंप्लीट रहता है आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना क्रिएट चैनल। तो फ्रेंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं आप लोग देख सकते हो चैनल क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ये क्रिएट हो जाता है उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे आप लोगों को क्या करना है। जैसे ही आप लोग देख सकते हो कि नया पेज ओपन हो क्या रहा है, जैसे ये ओपन हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे आप लोगों को क्या करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चैनल बनके तैयार हो गया। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब स्टूडियो बीटा। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको टैप कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके का पेज आप लोगों के सामने ओपन होके आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को टैप कर देना है। जैसे मैं इसको टैप करता हूँ अब आप लोग देख सकते हो सिंपली मैं अपने डैशबोर्ड में पहुंच चुका हूं। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, सिंपली वीडियो आप लोगों को अपलोड करना है तो आप लोग यहां से कर सकते हो। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर दूं, काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं वीडियो तो अपलोड कर देता हूं लेकिन नए चैनल में सर थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं आता, तो ये क्या होता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं, अगर आप लोग एक नया चैनल बनाने जा रहे हो तो आप लोगों के डाउट आ सकता है क्योंकि काफी लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूँ ऐसे में आप लोगों को क्या करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्लासिक में आ जाते हैं। क्लासिक में आने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपने क्लासिक में आ गया हूँ। तो क्लासिक में आने के बाद फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देखते हो इस तरीके का पेज आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चैनल। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक नया पेज ओपन होकर आ गया। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आता है कि सर थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं आता नए चैनल में, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का जो भी चैनल है उसको आप लोगों को वेरीफाई करना होगा। जब तक आप लोग अपने चैनल को वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक आप लोगों को थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। काफी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, काफी लोग पूछते हैं सर ऐसा बता दो कि थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं मिलता। ये खासकर ये पॉइंट मैं आप लोगों के लिए ऐड किया ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए, शुरू में आप लोग सारी चीजें सीख सको। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, सिंपली यहाँ पे मैं आप लोगों को टेस्टिंग के तौर पर बता रहा हूँ।
इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को वेरीफाई करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना नंबर आप लोगों को शो नहीं करा सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंपली आप लोगों के यहाँ पे नंबर डाल के सबमिट कर देना, उसके बाद ओटीपी आप लोगों के फोन में आएगा, उसको डाल के आप लोगों को कन्फर्म कर देना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता, जिन लोगों को ये डाउट आ रहा था कि सर थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं आता, उन लोगों को यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरीके से आप लोग घर बैठे अपने खुद का चैनल बना सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा सेटिंग इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब चैनल के लिए। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक बताना चाहता था। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। फ्रेंड अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो से आप लोगों ने क्या कुछ नया सीखा, फ्यूचर में आप लोग इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करोगे कि नहीं। जैसा भी आप लोगों का फीडबैक रहा फ्रेंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपने आसपास सफाई रखें, अपने छोटे बड़ों पर ध्यान रखें। जय हिंद जय।